अरे कोई है, अरे भाई कोई है? कौन हो तुम? कौन हूँ? अरे क्या है कर रहे हो? कौन हूँ भाई? अरे माँ, इस बंगले का भाड़ा लेने आया हूँ। कौन हूँ मैं? तुम क्या सोचते हो इतने गिरे हुए हैं? ये भाड़े के मकान में रहेंगे? तुम गलत दरवाजे पे आए हो। जाओ पहले नाम पढ़ लो, फिर अंदर आना। अरे तुम तो ऐसे अकड़ रहे हो जैसे इस बंगले के मालिक तुम ही हो। हाँ? दया सागर जी। अरे दया सागर जी, दया सागर से बात करो। दया सागर जी, अरे दया सागर जी, अरे अरे अरे, ये आदमी कौन है? मैं भाड़ा मांग रहा हूँ तो इतनी अकड़ दिखा रहा? वो हमारे ससुर हैं। ससुर? अच्छा अच्छा, थोड़े सी पागल। मुझे लगा ना। अच्छा मेरा भाड़ा। अब वो दया सागर जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा। अब जाइए, वो खुद आकर आपको किराए दे जाएंगे। पक्का ना? पक्का। तुम बच गए गुस्ताख, क्योंकि हमारा दामाद बीच में आ गया, वरना तुम्हारी गर्दन वहां कटी पड़ी होती और तुम्हारा धड़ यहाँ पर पड़ा रहा होता। यहाँ पर? मुझे लगा। क्या लगा? ये हंसा क्यों? मैंने उसको धमकी दी, हंसा क्यों? राजा साहब, वो थोड़ा सा पागल है। मुझे लगा। लगा ना? लगा। ये है कौन? दरअसल क्या है, हमारे पास बहुत सारे बंगले हैं, मकानात है, बिल्डिंग्स हैं, उसको उन सब का किराया वसूल करने के लिए रखा है। पागल को किराया वसूल करने के लिए क्यों रखा तुमने? नहीं नहीं, पहले तो बहुत अच्छा था, मगर हमारे पास बहुत ज्यादा जायदाद है ना, उन सबका काम संभालते 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 पागल हो गया बेचारा। मगर है बड़ा वफादार नौकर। अब वफादार नौकर को निकाले कैसे है? आप ही बताइए। नहीं 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 ना, ऐसा निकालेंगे तो कोई भी मरेगा। मगर राय साहब, आपके पास ये भैंस, हाथी, घोड़ा, मुर्गियां कितनी होंगी, कुछ अंदाजा है आपको? जी, वो सब किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, क्या है कि हम आपकी ये सब जमीन जायदाद खेत जरा देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं? लेकर के लिए? बस यूं ही। अच्छा, आप इधर ही ठहरिए, हम एक मिनट में आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी आते हैं। अच्छा, मालिक 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 मालिक, तू यहाँ भागा भागा क्यों चला आया? वो मेरे ससुर है ना। ससुर? तेरा कौन ससुर भी? मेरा मतलब है वो नामदेव उर्के वाला। हाँ, तो वो मुझसे मेरी जायदाद, मेरी जमीनों के बारे में पूछ रहा है और उन्हें देखना चाहता है। देखना चाहता है? हाँ। और तू इस बात से घबरा कर यहाँ चलाया? हाँ मालिक। तुझसे मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था मालिक? कि यहाँ कभी मत आना, अगर तुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो मेरा सारा मामला चौपट हो जाएगा। हाँ, मगर ये तो बताइए कि मैं उसे डालूं कैसे? डालूं कैसे? हाँ, तू एक काम कर, उसे यहाँ शहर से बाहर ले जा, वहां चारों तरफ खेत ही खेत है, वो सारे खेत उसे दिखाकर झूठ मूठ कह देना कि वो सब हमारे हैं, मामला टल जाएगा। समझ गया? सारे हमारे खेत हैं। ठीक है मालिक, लेकिन अगर उस खेत के मालिक ने पूछा तो कह देना कि नामदेव पागल है। और अगर नामदेव ने पूछा तो कह देना कि खेत का मालिक पागल है। सब पागल हैं। ठीक है मालिक। मालिक, चल भाग यहाँ से, दोबारा कभी दिखाई मत देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कसम तिजोरी की, जमाना बड़ा खराब। चल भाग यहाँ से। देखिए ससुर जी, इस पेड़ से लेकर उस पहाड़ी तक जितनी जमीन है सब हमारी है, सब। और ये? ये जमीन, ये भी हमारी है। ये भी हमारी है? अच्छा, और ये मजदूर किसके हैं? वो मजदूर हमारे हैं। अच्छा, हमारे हैं। अच्छा, ये जमीन हमारी है। ये भी हमारी है। ये बीच में सड़क कहाँ से आ गई? ये हमने हमने बनवाई जनता की भलाई के लिए, राजाओं का धर्म है जनता की सेवा करना। ये तुम नहीं, तुम्हारा महान खून बोल रहा है। शाबाश मेरे दामाद, हम खुश हुए, तुम्हारी जमीन हमें पसंद आई, जायदाद पसंद आई। वाह वाह वाह, आज से जमीन की चिंता करना तुम्हारा नहीं, हमारा कर्तव्य। आपका? हम जरा मजदूरों से मिलकर आते। अच्छा, नहीं 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 नहीं, बाद में चलिए। चलो, वहां की फसल भी जल्दी कटवा देना, अब की बारिश जल्दी शुरू होने वाली है, तो
समझ गए ना? जी बंद करो, बंद करो। क्या बात है, कौन है आप? अच्छा, हम कौन है? हमारे बारे में पता चलेगा तो पैरों तले की जमीन फट जाएगी और पूरे खुद जाओगे इसमें। हम हैं नामदेव महादेव राजगिरी, तुम्हारे मालिक ज्ञानेश्वर राम प्रसाद, जमींदार है तिजोरीपुर के सदर। क्या हमारे मालिक जमींदार तिजोरीपुर? हाँ, जो इस खेत जमीन के इकलौते मालिक है। अभी जमीन की देखरेख हमारे जिम्मे है। हमारे हुक्म के बगैर यहाँ का एक मामूली सा पत्ता भी नहीं ले सकता, और तुमने हमारे हुक्म के बगैर यहाँ काम शुरू करवा दिया। चलो कान पकड़ाओ, पकड़ा। देखिए, या तो आपका दिमाग खराब हो गया है या आपको गलतफहमी हो रही है। इस खेत का मालिक मैं हूँ। क्या बकवास करते हो? हमारी जमीन पे कब्जा करके हमें धोखा देना चाहते हो? गद्दार, नकार, कुफार। ए, मुंह संभाल कर बात करो वरना। वरना क्या करेगा? हमारी जमीन खाली कर, वरना अपने सिपाहियों को बुलाकर तेरी खाल के जवा दूंगा। ए, ए, देखते क्या हो? मारो। खबरदार, अगर राजघराने पे हमला किया तो कोई है? अरे कोई नहीं है। दामाजी, अरे कोई है? आओ, राजघराने की हालत देखने के लिए आओ। दामाजी, कौन है तुम? ए गोरखा, बाहर निकलो इसे। हम हैं तुम्हारे ससुर महाराज नामदेव राजगिरी। अरे आप, आपकी हालत कैसे हुई? हमारा अपमान हुआ है, राजघराने में हमला हुआ है। अरे मगर हुआ क्या? वही तो बता रहे हैं, तुम पहले पुलिस को फोन करो, इससे पहले कि वो लोग तुम्हारी जायदाद और जमीन को हड़प कर जाए। पुलिस को फोन करो। पहले आप बातों बताइए, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वही तो समझा रहे हैं। हम घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, जमाइयां ले रहे थे। हमने सोचा कि चलो चलकर तुम्हारे वो खेत देख लें जो तुमने उस रोज हमें दिखाए थे। हमने वहां जाके देखा कुछ और लोग काम कर रहे हैं। हमने कहा रुक जाओ, वो नहीं रुके। उन लोगों ने हमें पीट डाला, मार मार के हमारा हर इलाका नरम कर दिया। हमने आज तक अपने मुर्गे चुराने वाले कुत्ते को उतना नहीं मारा जितना उन लोगों ने हमें मारा है। फोन कहाँ है? फोन कहाँ है मालिक? कौन? कुछ लोग आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे? कौन लोग हैं बुलाओ। देखिए, पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? आप इन लोगों से मिल लीजिए, हम जाकर उन लोगों को मार मार के उन्हें लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। ठीक है? हम खुश हुए।